गुजराती मोदी ना गांधी का सम्मान करता है, ना स्वराज का सम्मान करता है, ना शहीदों का सम्मान करता है। देश के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, बहिष्कार करते हैं नरेंद्र मोदी का, बहिष्कार करते हैं नरेंद्र मोदी का। हटाओ ईवीएम, भला मोदी को, भला मोदी को। इस देश को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, पूरा संत समाज कहता है। अरे अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता, क्यों देश को जाति धर्म के पाखंड में लपेट रखा है? तो तथाकथित हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये बकवास हो रहा है। गोली नहीं खेली जा रही है। तुम कितने होशियार हो, कितने तुम होशियार हो, अपनी होशियारी को अब तुम अपने पास रखना। इस देश की ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, पूरा संत समाज कहता है। हमारे शंकराचार्य कहते हैं, समस्त हमारे आचार्य कहते हैं, सारे संप्रदायों के हमारे आचार्यों का कथन है कि गौ रक्षा के लिए अब ये भारतीय जवान किसान पार्टी निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव बैलेट पेपर से चाहती है, ताकि हम इस देश की अस्मिता को बचा पाए। नमस्कार जी, वंदे मातरम। राष्ट्रीय किसान जवान किसान पार्टी की तरफ से मेरे को आज यहाँ बोलने का मौका दिया और आप सब लोगों ने मेरे को सुनने का समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। युवा पीढ़ी इस देश की रक्षक है, युवा पीढ़ी को इस देश को संभालना है, इसके बारे में मैं आपके 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो गांधी जी ने ये क्यों कहा कि देश को अभी आज़ादी नहीं मिली है। तो वो आज़ादी का उनका मकसद क्या था कि हमें आज़ाद भारत की जो उनकी कल्पना थी, और जो गांधी जी को मिसयूज कर रहे थे, वो कहते थे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। जब गांधी जी खुद कह रहे हैं आज़ादी नहीं मिली है, तो इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इस बात को समझते हुए मैं चुनाव आयोग को भी उसका अपना दायित्व याद दिलाना चाहूँगा। चुनाव आयोग का दायित्व था कि पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, बिना किसी पैसे के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहुबल के, शस्त्र बल के इन्फ्लुएंस के। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि बाहुबल और शस्त्र बल ने बैलेट पेपर को भी अपने कब्जे में लिया। अब गांधी जी की चुनाव प्रणाली पर मैं 2 लाइनों का समय लूंगा। गांधी जी क्या चाहते थे कि हम अपने ग्राम स्वराज हो, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और उस गांव को हमें जिंदा रखना चाहिए। लेकिन शहरीकरण के और इस असीमित कागज के नोट छापकर 1844 में पैदा हुए कागज के नोट की गुलामी के चक्कर में हम लोगों ने गांधी जी के विचार को बिल्कुल भुला दिया। गांधी जी ये चाहते थे कि हर बूथ पर हम 7 प्रतिनिधियों का चुनाव करें, उसमें यदि किसी विशेष धर्म के या विशेष वर्ग के कुछ लोग ज्यादा हो तो उनके लिए भी सीट रिजर्व की जा सकती है, और उन 7 प्रतिनिधियों को ही उस चुनाव में भाग लेने का, और एक दिन दिल्ली के 70-75 हजार जितने भी ये हर बूथ के 7 प्रतिनिधि हो, वो MLA, ब्लॉक पंचायत, कॉरपोरेटर और MP, इन सब का चुनाव कर दें। इस तरह चुनाव में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और किसी EVM की और किसी भी उस चीज की बूथ कैप्चरिंग की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। उस चुनाव प्रणाली को देखते हुए मैं आज चुनाव आयोग से ये आह्वान करता हूँ कि गांधी जी के स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए इस चुनावी पद्धति पर विचार करें, अदरवाइज पूरे देश का विश्वास खो चुका है इस प्रणाली पर, इस अंधा कानून, बहरी सरकार और गूंगा ये गोदी मीडिया, इस गूंगे और स्लेव ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के स्लेव्स को इस देश की जनता के हित में और राष्ट्र हित में कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हम बूथ के लेवल के 7 प्रतिनिधि अपने बूथ के लिए निर्णय लेने का अधिकार अपने हाथ में लेंगे और एकजुट होकर हम इन 7 प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे। रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, एजुकेशन पॉलिसीज, जुडिशियरी वाय पंचायत एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दैट वाज द ड्रीम ऑफ गांधी, गांधी जी के स्वराज का। मैं उस स्वराज की कल्पना करते हुए आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि इस बात को जन जन तक पहुँचाने का कष्ट करें। और मोदी जी ने भी 2 अक्टूबर 2023 को मैंने यही बात राजघाट से कही थी, मोदी जी ने भी ये पूरे मीडिया को एकत्रित करके कहा कि गांधी जी क्या चाहते थे पूरे विश्व को बताओ। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है राजनेताओं की। इस राजनेताओं पे भरोसे हम देश को नहीं छोड़ सकते। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि 1947 से आज तक नेवर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर नेवर डेवलप्ड। इस सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जब दूसरा नेता भी पूरे देश ने आज तक पैदा किया, तो इस देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? इस देश के आप, इस देश के युवा पीढ़ी, इस देश के
वो करंधार है, इसको संभालेगी, यही अपेक्षा रखते हुए मैं इस मंच से आपको अपनी बात कहने का। गुजरात के होने के नाते गांधी जी एक दिन सपने में मोदी जी से कह गए कि जितना भारतवर्ष में गौवंश है ना, इसको काट के बेच दो और इनका मांस बेच करके दुनिया को खिला करके तुम इन सबके गुरु जी बन जाओ। ऐसा गांधी जी मोदी जी को कह गए, तभी तो गांधी कह गए थे कलम की पहली नोक से गोहत्या बंद करेंगे। लेकिन ये गुजराती मोदी ना गांधी का सम्मान करता है, ना स्वराज का सम्मान करता है, ना शहीदों का सम्मान करता है, और मनमाने तरीके से ये अमेरिका ब्रिटेन का एजेंट बन करके देश के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, बहिष्कार करते हैं नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस का, भाजपा के, देश के गद्दारों का, जिस तरह से 1857 में मंगल पांडे ने बंदूक तानी थी फिरंगियों की छाती पर, आज गोरक्षा हमारे लिए प्रासंगिक है। जो कुछ भी करना पड़े गोरक्षा के लिए हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए देश से आह्वान करते हैं। खड़े हो जाओ मेरे देश प्रेमियों, आपके तूणीर में वो तीर है जिसे वोट कहते हैं। आप भारतीय योद्धाओं को लाओ देश की सरहद से संसद में, देश बच जाएगा, देश बच जाएगा। हटाओ ईवीएम, भगा मोदी को। हमारे पास हजारों हजार मुसलमान भाइयों के भी फोन आ रहे हैं। मुसलमान भाई गौ माता के इतने वो दुश्मन नहीं है जितने हमारे ही जैनियों के कत्लखाने हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए मुसलमान भाई भी हमारा साथ देंगे, हमें यकीन है। अरे अकेले जैनियों के नहीं है, हिंदुओं के हैं। जो तो ताकतित हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ये बकवास हो रहा है। हिंदुओं के कत्लखाने हैं, शर्मा जी के हैं, वर्मा जी के हैं, अग्रवाल जी के हैं, जैन साहब के हैं। अरे अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता, क्यों देश को जाति धर्म के पाखंड में लपेट रखा है? इसलिए बात हो गया धर्म और जात, आओ करें देश की बात। बात हो गया धर्म और जात, आओ करें देश की बात। इसके साथ ही जो देश का अगर प्रमुख होगा, व्यापारी प्रमुख बनेगा, उस देश को गरीब होना तय है। इसलिए व्यापारी वर्ग को देश का प्रमुख ना बनाया जाए। आज तोड़े मैं माध्यम रही जो भारत की 70 साल की देश राज कर रही है सरकारें, मैं उसके दुखी, मैं नहीं सभी भारतवासी दुखी होकर आज जो संकल्प लिया हुआ है भारतीय जवान किसान पार्टी ने, पेश सत्ता को बदलना है। सत्ता को बदलने के लिए हमें अच्छे अच्छे आदमी चाहिए, और भारत में जो अच्छे आदमी, जो किसान, जो भारतीय रिटायर फौजियों ने एक पार्टी का गठन कर आगे बढ़ा, उस लिए भारत की संसद में जाने के लिए प्रयास किया, जिसके ईवीएम मशीन घोटाला है, इसको बाहर निकालने के लिए सभी ने संकल्प किया है। जो भारतीय जवान किसान पार्टी फैसला करेगी, ईवीएम मशीन छाड़ेगा हो बिगाना हो, जो फैसला करेंगे चोरी जो जो बेनती करते हैं, ईवीएम मशीन ढाओ और भारत में अच्छे संसद में लोग लाओ। जो हमारे हमें भारत में सभी भारत में घूमा है, मेरी 70 साल की उम्र हो ज्यादा होगी है, हमारी सरकारों ने हमें लूटा है, लूट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और भारतीय जवान किसान पार्टी ईवीएम मशीन के पर विरोध में जो भी फैसला करेगी, हम सभी भारत में उससे का प्रयास करेंगे। मेरे साथी जिन्हें भारत में काम कर रहे हैं उसको जब बेनती है, और भारत को बचाना है हमें ईवीएम मशीन ढाना है, और हमारे भारत में गुलदस्ता है, सभी लोग बसते हैं, और है और मैं ये फैसला करते हैं ईवीएम मशीन ढाओ और देश बचाओ, ईवीएम ढाओ देश बचाओ। वैभव जी का खालसा, वाहे जय श्यामा, वाहे जय श्यामा, जय श्यामा निरंतरम, जय श्यामा निरंतरम, दुर्जनान दंडे श्यामा, दुर्जनान दंडे श्यामा, रक्षय श्यामा च सज्जनान, रक्षय श्यामा च सज्जनान, सुखे बसे समाज सब, सुखी बसे समाज सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, जवान किसान की जय, जवान किसान की, भारत माता पूरी होए, भारत माता पूरी होए, भारत माता की जय।